की बात है बेटी, शादी के 3 साल हो गया है, अभी तक दामाद जी गहना कराने काहे नहीं आए हैं? अरे तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है ना? हाँ बाबूजी, सब कुछ ठीक है। अरे जब सब ठीक है तो कलुआ दामाद काहे नहीं आया है गहना कराने? अब ये फोन करके पूछते हैं हम। ई तो हमारा पूरा पैर के रख देले, साला दिमाग खराब कर ले हमर। साला भुलायल गधा के आर, 3 साल साला शादी का हो गया, झांट भर के बच्चा सके साथे साला गोली खेलता है। ई गोली के साथे कहिया गोली खेलेगा? ओ पापा काहे मार रहे हो, मैं अभी छोटा बच्चा हूँ ना। बच्चा है, ले ससुर जी के फोन आले, बात कर ससुर जी से, बात कर। हाँ बोलिए ससुर जी। हेलो दामाद जी। बोलिए ससुर जी, बोलिए। पूरा साला संस्कार भूल गया रे दोगला के बच्चा। प्रणाम कर, प्रणाम कर। प्रणाम ससुर जी। खुश रहिए, खुश रहिए। हम कह रहे हैं दामाद जी, अब बेटी के गहना कराने कब आइएगा? अरे हम तो कब आने वाले थे, आप ही ना बीमार रहते हैं। हम बीमार रहते हैं? कौन बोला है? आपकी बेटी ही तो बोली थी। बेटी, तुम बोली हो दामाद जी को कि हम बीमार रहते हैं? नहीं बाबूजी, हम तो ऐसा नहीं बोले हैं। अच्छा ठीक है दामाद जी, आप आइए बबुआ के गहना करा के ले जाइए, हम ठीक हो गए। ठीक है, हम आज ही आते हैं गहना कराने के लिए। ठीक है आइए। कथी हुआ रे? उस ससुर जी बुलाए हैं गहना कराने के लिए, चलिए। ठीक हो, चल तनी फेशियल करा ले, तब ना तेरा सास पर। ठीक है बाबूजी, चलिए चलिए। हाँ ठीक, चल। क्या बोल रहे थे पापा वो फोन पे? कुछ नहीं बेटी, दामाद जी आ रहे हैं। पापा आप जाइए ना, रूम में आराम कीजिए ना। नहीं बेटी, करिया दामाद जी आ रहे हैं तो उनके लिए करिया करिया मिठाई लाना पड़ेगा ना। अरे कुछ तैयारी करना पड़ेगा ना। अरे तो मिठाई बाजार में ना मिलेगा पापा, यहाँ थोड़ी ना मिलेगा। एकदम सही बोल रही है बेटी, अभी जा रहे हैं और अभी मिठाई लेके आएंगे। क्या है? मिलने का ही नहीं आई है? आज मेरा गौना है। गौना है? बौना दिख रहा है तुमको? 6 साल से प्यार की तब बौना नहीं दिख रहा था, आज बौना दिखने लगा है। बौना नहीं, गौना, गौना। रे साला गौना बोल रही है। गौना? हाँ गौना। लेकिन दोस्त ये तो बोली थी कि इसका पति बकलोल है, नहीं आएगा गौना कराने। पापा बात किए थे उससे फोन पर। लोन पर? अरे लोन चाहिए था तो किसी और से काहे बात की है, हमसे ना बात करना चाहिए था, कम ब्याज पर दिलवा देते, फूफा के बिजनेस है। रे साला फोन बोल रही है, फोन पर बात की है एकर पापा एकर भतार से। हाँ तो धीरे बोलना बेटी, सुनाई देता है, बहिरा नहीं है हम। देखो किशोर, तुम हमको भूल जाओ। झूल जाओ? अरे किसका पकड़ के झूल जाओ? दोस्त हम पकड़ के झूल जाए? रे साला भरुआ, दिनेश, बहिरा, बोका चोदा, ये साफ साफ बोल रही है कि हमको भूल जाओ। बोले आम तो सुने ही मिली। अबे भी हम कैसे तुमको भूल जाएंगे, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेबी। वो सब तुम समझो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। क्या बोल रही है? बोल रही है उसे तू समझो, हम कुछ नहीं जानते हैं। कब आ रहा है इसका पति? 2 बजे। ठीक है, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और प्लानिंग हो जाएगा। हाँ सही बोला, चल 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 चल। हट साला, कब से धूप में बैठा के रखा है, तुमको यकीन है कि आएगा? अरे हम 100% कन्फर्म है कि ओका बाप गुटखा खाने के लिए रुकेगा ही, झुकेगा ही। अरे साला बुढ़वा कहले है पे झुकेगा, घर मनाने का उसका शौक थोड़ी ना है। रे साला रुकेगा, हैं यहाँ पर रुकेगा। अच्छा यहाँ पर रुकेगा? हाँ। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। देख रुक गया, देख। हम क्या करें? कुछ ना, अभी रुक। बउआ तनिया का पुड़िया ला बता। देख रहा है किशोर, गांव में कितना पापी आदमी सब बढ़ गया है। सही बोल रहा है दिनेश, अपना फुलाने चा को देख लो, कितना हरामी है, अपना बिगड़ल बेटी के बियाह झूठ सच बोल के करवा दिया, और सुने हैं कि आप गौना भी करवा रहे हैं। आए गौना? अरे हाँ यार, हम तो सोच रहे हैं कि कितना भागा होगा वो लड़का के बाप जब फुलन के बेटी को अपना घर के पुतोह बनाएगा। अरे बाबू, आप दोनों फूलन के बेटी के बारे में कथी बतिया रहे थे? कुछ नहीं चाचा, आप इस गांव के नहीं लगते हैं, इसलिए आपके काम के बात नहीं है। अरे बाबू तनी बताओ ना बाबू। अरे ये कथी कर रहा है रे, कथी कर रहा है? आप ही ना बोले, सटाओ ना बाबू, सटाओ ना। चाचा ये तनी कम सुनता है, बुरा नहीं मानिएगा। अच्छा कोनो बात नहीं है। अरे बाबू
कथी कर रहे थे फिल्म की बेटी के बारे में, बताइए ना, हम आपका हाथ जोड़ते हैं बाबू, बताओ ना प्लीज। बोल रहे थे यही कि फुलन चा के बेटी बहुत बड़का सतभत्री है, 10 गो बॉयफ्रेंड है ओकरा। बस अब जो करना हम खुद करेंगे। पढ़ेंगे? अरे हाई उम्र में काहे ला पढ़िएगा चाचा आप। अरे बाबू तुम इसको मुंह बंद करने के लिए बोलो, नहीं तो अपना झांट मर जाओगे, हम खुद के चाट के मर जाएंगे। अच्छा अच्छा चाचा आप जाइए, ये तो बहिरा है। चल गाड़ी स्टार्ट कर चल। रे दोस्त अभी बुढ़वा गौना करा के नहीं ना ले जाएगा? अरे नहीं ले जाएगा, तुम काहे टेंशन ले रहा है? सच में? हाँ। पापा चलिए ना, उतरिए ना गाड़ी से। हम नहीं जाएंगे अब। चलिए ना पापा। अब तो ये गबना मुंह नहीं देंगे, लड़की पूरा कैरेक्टरलेस है। पापा आपको गलत फैमिली हुआ है। हमारा गलत फैमिली नहीं हुआ है, लड़की है 420, हमको गांव वाला सब ये पता चला है। नहीं पापा, रानी बहुत शरीफ लड़की है। रानी? ये रानी कौन है रे? तोरा बियाह तन सपना से न कराए थे? पापा सपना ही है, मैं दिल से उसको रानी मानता हूँ। वाह, तू रानी मानता है, लेकिन तोरा राजा कौन बनाया? तोरा राजा कौन बनाया रे? रुक, पहले मर गाड़ी बंद कर दे, तोर ससुर दहेज में ना दिलाओ। तोरा राजा कौन बनाया? पागल है कि? हाँ है हम लोग पागल, तभी ना मुंह उठा कर चल दिए हैं। अपन बाल बच्चा तो समझता नहीं है, हमारे सोना ऐसा बेटा के पागल कहते हैं। पापा शांत रहिए, तमाशा नहीं करिए यहाँ। तू तो चुप रे साला मेहर मऊगा, ससुराल में गबना कराने किया गए, तू तो साला ससुराल के दलाल बन गया। पापा जी अंदर आके चाय पानी कर लीजिए। रहने दो बेटी, अब तो दूरा पर के पानी और पीना पाप है मेरे लिए। क्या हो गया समझी जी, सुबह तो आप फोन पर बहुत अच्छा से बात कर रहे थे। अरे भिनसर आपके बेटी का कारनामा नहीं ना पता था हमारा? कारनामा? अब बात क्या है तनी साफ साफ बताइए ना समझी जी। पापा भीतर चल के बात करिए ना, यहाँ बहुत धूप लग रहा है, मुझे काला हो जाऊंगा। चल चल रे साला भरुआ, थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट है, धरती पर कोई है ना है। हम गौना होने ही नहीं देंगे, हमको आपके बेटी के बारे में पता चला है कि 10-10 हजार भतार है। कौन हरामी बोला है ये बात? अरे ये बात सरासर झूठ है। ये बात से हमको कुछ लेना देना नहीं है, मैं सपना को लेने आया हूँ और सपना को लेकर ही जाऊंगा। हाँ हाँ बेटा ले जाइए ले जाइए। लेकिन हम नहीं जाएंगे पापा। कहला बेटी ये पहले से बदल गए हैं। कैसे बदल गया है बेटी? शादी से पहले गोरे थे, अब कलुआ हो गए हैं। अरे तो क्या हुआ, लगाएंगे 2-4 दिन निरमा पाउडर और हो जाएंगे गोरा। बउआ कौआ उज्जर हो सकता है, लेकिन तू कहियो उज्जर नहीं होगा, और ये बात संविधान में भी लिखल है। अब बेटी काला गोरा से कुछ नहीं होता है, इंसान का दिल साफ होना चाहिए। जाओ अंदर से सामान लेकर आओ। ठीक है पापा। जाओ जाओ बेटी जाओ। बेटा तू ना प्यार में अंधा हो गया है, नहीं तो आज तक किसी भी हाल में गबना नहीं होने देते। आप जैसा सोच रहे हैं सपना वैसी लड़की नहीं है पापा। सही कहा गया है बेटा, 4 कदम चोर से, 8 कदम चुगलखोर से, 74 कदम लतखोर से, एकरा से दूरी बनाकर रखना चाहिए। आ तू साला लतखोर है। ऐसे काहे बोल रहे हैं दमाजी के? अरे दमाजी शाहरुख खान सलमान खान से कम है कि? अब पापा जी लग रहा है कि अंदर कुछ गिरा है, सपना इशारा में मुझे बुला रही है, देख के आता हूँ। देख रहे हैं समधी जी कितना प्यार करती है हमारी बेटी दामाद जी से। हाँ हाँ देख लिए, अब पूरे गांव में दिख रहा है कि आपकी बेटी कितना प्यार करती है। पापा सपना घर में दिखाई नहीं दे रही है, लग रहा है कि छोड़ने वाली कूद के भाग गई। यही ना होगा जब झांटे का शक्ल रहेगा।